अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हाज़िर हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ पाकिस्तान के अपकमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची की। लास्ट टाइम हमने आपके साथ तकरीबन 18-19 दिन पहले एक अपडेट शेयर की थी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की, तकरीबन 27 दिसंबर को, और उसके बाद ये एक और अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट। हमारे फ्रेंड हैं बहरिया टाउन कराची में होते हैं गफूर अहमद का, मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। आपको किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी के बारे में डीलिंग या बुकिंग वगैरह करनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको अच्छा गाइड कर देंगे। वैसे तो जब जब आहिस्ता आहिस्ता काम में प्रोग्रेस आता है तो हम आपके साथ तभी अपडेट शेयर करते हैं, जैसा कि अरबाब नियाज स्टेडियम से आपने अंदाजा लगाया होगा और हयातआबाद क्रिकेट स्टेडियम पेशावर से भी। बट जब इस तरह एक्सक्लूसिव फ्रेश वीडियो मिल जाती है तो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट टू कीप यू गाइज अपडेटेड के आपके माइंड में रहे। ये पाकिस्तान के जितने भी अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स हैं आप इसके बारे में बाखबर रहें, ये मेन मकसद होता है हमारा। और अक्सर ऐसे ही होता है जब भी मैं अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट शेयर कर देता हूँ तो उसी के साथ आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अब रफ़ी स्टेडियम और हयातआबाद स्टेडियम की भी कर दें। खैर, अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में तो काम तेज़ी से जारी है, उसकी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम अपडेट शेयर कर दी थी, और हयातआबाद स्टेडियम की रहती है। साथ में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की इस अपडेट को शेयर करने से पहले, सखर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा था वहाँ पर भी एक क्रिकेट स्टेडियम था, उसका भी आप लोग काफ़ी कह रहे थे, तो उसकी भी मैं एक एक्सक्लूसिव अपडेट लेके आया हूँ कि सिंध की गवर्नमेंट क्यों उस पर काम नहीं कर रही, उस पर भी बात करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। अब कहीं थोड़ा थोड़ा जाके सखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम पे काम हो रहा था वहाँ पे, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और हयातआबाद स्टेडियम में तो और भी काम तेज़ हो गया है, उसकी भी एक्सक्लूसिव अपडेट आ जाएगी। सखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे तो पहले भी मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं तब तक इसको हाईलाइट और पॉइंट आउट करता रहूँ जब तक यहाँ पे काम तेज़ ना हो। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और इन तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो शेयर कर दूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अच्छा, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो बिल्कुल स्लो था, आप कह सकते हैं कि स्टॉप था काम, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर भी काम होने लगा है। सामने जो शटरिंग का काम आपको दिख रहा होगा, ये जितने भी शेयर वॉल्स हैं इनको मैं कंक्रीट वॉल कहा करता था, सही मानों में इसको शेयर वॉल कहा जाता है। इनके टॉप पे आप देख सकते हैं शटरिंग का काम हुआ है और कह सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में भी। पहले कोविड के वक्त तो बिल्कुल स्टॉप हो गया था, उसके बाद तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिर से आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू होने लगा है। तमाम शेयर वॉल्स पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई है काम में। फिलहाल स्टेडियम में आउटसाइड आप कह सकते हैं या एक्सटीरियर पे ज़्यादा काम हो रहा है जो शेयर वॉल्स हैं, इसलिए मैं आपको बाहर साइड से ही सही से दिखा पाता हूँ। अंदर जब ज़्यादा काम होगा तो वो भी मैं आपके साथ फिर टाइम टू टाइम उसकी अपडेट शेयर करता जाऊँगा, इनसाइड व्यू की भी। ऐसा नहीं है कि हम अंदर से शेयर नहीं करते, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने देखा होगा मैंने 2-3 बार आपको अंदर से भी दिखा चुका हूँ प्रॉपर करके। अब जब अंदर साइड पे स्टैंड्स के ऊपर जो मैंने आपको तैयार स्टफ़ दिखाया था, जो तैयार स्टैंड्स बने हुए थे रेडीमेड, बस उसको उठा के यहाँ पे इंस्टॉल करना है। बाद का काम मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अरबाब नियाज स्टेडियम में ऊपर वाले टीयर्स में उनको कंक्रीट से फिल करना पड़ता है और सारा काम अलग अलग से करना पड़ता है, स्टैंड्स का, फिर उसके ऊपर स्टेयर्स का। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, सिर्फ उठाएंगे और इंस्टॉल करेंगे, तो ये सबसे बड़ी आसानी की बात है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि स्टेडियम के पास जो पैरागॉन ऑफिशियल वालों का ऑफिस है उनके पास ही सामने साइड पर ये सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पिक्चर शेयर कर देता हूँ। बस ये शेयर वॉल्स बन जाएँ फिर काम और भी आसान हो जाएगा, और मैं पिक्चर से भी अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है। पिक्चर्स पे आपको ज़रा आसानी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी मूव करती है तो आप सही से जज नहीं कर पाते, पिक्चर्स में आप देख लें। और फिर इसके बाद मैं तेज़ वीडियो भी चला दूंगा बाकी की। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में क्यों नहीं बताता, तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम सिर्फ अपडेट शेयर करते हैं और जो नया थोड़ा बहुत काम हुआ होता है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्टेडियम की फ़ीचर्स के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली अपडेट्स जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने स्ट्रक्चर वगैरह को भी एक्सप्लेन किया है और भी बहुत सारी अपडेट्स दी हैं। यहाँ पे मैं बार बार वो एक्सप्लेनेशन इसलिए दे नहीं पाता ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और रिपीट भी ना हो चीज़ें, बस आपको वीडियो दिखा देता हूँ। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके भी 360 आपको स्टेडियम दिखा देते हैं
और फिर वीडियो को एंड कर लेंगे, बस आप देख लें ताकि आप अपडेट रहें, ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप रफ़ी स्टेडियम, हयातबाद स्टेडियम और अरबाब नियाज़ स्टेडियम इनमें से कौन से को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली कराची वाले रफ़ी स्टेडियम को ही प्रेफर करेंगे, पेशावर वाले अरबाब नियाज़ स्टेडियम और हयातबाद स्टेडियम का ही बोलेंगे, लेकिन बाकी सिटीज़ के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑनेस्टली बताइएगा कि कौन सा स्टेडियम आपको पसंद है। और बस आप लोग काम से मायूस ना हुआ करें, खुशाइन बात यह है कि अब बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं और अपकमिंग अच्छे स्टेडियम्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी टेक्निकल चीज़ें भी मैं टाइम के साथ साथ आपको अपडेट करता जाऊंगा, अभी से बताऊंगा तो आपको सही से समझ नहीं आएगी। जैसे अरबाब नियाज़ स्टेडियम, हयातबाद स्टेडियम की मैंने आपको टाइम टाइम से एक्सप्लेन किया है, रफ़ी स्टेडियम भी थोड़ा सा बन जाए, ये स्ट्रक्चर पकड़ ले शेप, फिर देखिएगा मैं आपको बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता समझाता जाऊँगा स्ट्रक्चर वीडियो वाली एक्सप्लेनेशन में। उसमें हम स्टेडियम को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेयर्स कहाँ पे होंगी, स्टैंड्स कहाँ पे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको बन जाने दें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के एंड में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देता चलूँ, व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना लें, वहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करें, ज्वाइन कर लें, लेकिन एक शर्त होगी कि मुझे काइंडली प्राइवेट में मैसेज ना कीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता। तो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर लें अपडेट्स के लिए, वहाँ पर अपडेट शेयर होती रहेंगी। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आके फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो टाइम के साथ साथ अपडेट हो जाती हैं, वो मैं अपनी लेटेस्ट वीडियोज़ में बता देता हूँ। तो आप नई वीडियोज़ के साथ अपने आप को अपडेट रखिए ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, जब आप वीडियो लाइक कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई जस्ट वांट टू से वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के स्टेडियम्स पर भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको कॉन्टेंट पसंद आएगा। और वीडियो के आखिर में एक ही मैसेज, ऑलवेज स्प्रेड लव, पीस एंड यूनिटी। हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे चैनल पर भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज योर बॉय, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।